Katrina loves her family a lot, but she also loves to stay away from them. कैटरीना की अक्सर खबर आती है कि वो फ्लाई कर रही हैं दूर-दूर की कंट्रीज में, जस्ट टू बी विद हर फैमिली। इट सीम्स लाइक शी रियली लव्स हर मॉम एंड सिस्टर्स। येट, व्हाट इफ वी वुड टेल यू शी मे नॉट एग्जैक्टली बी एज हैप्पी इफ शी हैड टू लिव विद देम ऑल द टाइम अंडर वन रूफ। पास होकर भी वो रहना चाहती हैं क्या अपने लव्ड वंस से दूर। You are clearly fascinated with Katrina Kaif's signature. Tell us more about Katrina's personality. Katrina's K at the beginning of her name, as we can see, ki ek V-shaped formation hai, which is like indicating victory. And like we have been saying that in her career. She's a winner all the way. Absolutely. If I actually see the whole signature, Katrina aur Kaif ke beech mein kafi ek bahut bada gap hai, bahut bada space hai, which is also indicating that although she's very loving and caring, she also has to perhaps stay away from her family all the time because of her work-related matters, of course. और जहां तक एक के का जो सेकंड लीनियर जो लाइन जो नीचे जा रहा है, विच इज लाइक प्रिटी टू शॉर्ट, मुझे लगता है कि वो थोड़ा लंबा करती है, देन परहैप्स शी कैन बी अ पर्सन हु कैन रियली ओपनली टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ। तो ये जो के की नीचे छोटी वाली डंडी है, यू ट्राइंग टू सी कि अगर वो लंबी हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम इन अ मीडिया कॉन्फ्रेंस और यू नो एनीथिंग व्हेन जर्नलिस्ट आस्क हर क्वेश्चंस अबाउट हर पर्सनल लाइफ, शी विल प्रोबब्ली बी मोर ओपन एंड शी विल नॉट ब्रेक डाउन एंड स्टार्ट क्राइंग। एब्सोल्युटली, यू गॉट इट करेक्ट। ओके, इनफैक्ट और जहाँ तक टी का सवाल है, आई फील दैट टी का जो एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत लंबा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर कैटरीना बिकॉज दैट इज एक्चुअल इंडिकेटिंग कि वह काफ़ी लंबी रेस की घोड़ी है। और जहाँ तक आर और आई का सवाल है और एन ए, वो इनफैक्ट मुझे लगता है काफ़ी वेवरी है। आई वॉन्टेड टू बी मच मोर रीडेबल, काफ़ी एक थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ को डिसीजन के लेकर काफ़ी अनडिसाइडेड है। वेरी मच सो। उनके सरनेम में जो F का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि काफ़ी वियर्ड तरीके से उन्होंने F जो लिखा गया है, इनफैक्ट उल्टा लिखा गया है। दैट इज़ वेयर परहैप्स आई एम वेरी वेरी स्कैड, सो विच इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट शी हैज़ टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैक स्टैबिंग पीपल, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड हर। मैं चाहता हूँ कि वो एक बेसलाइन कैटरीना कैफ में पूरी एक तरह से लंबी एक बेसलाइन खींचे, विच कैन रियली सेटल हर पर्सनल एंड हर प्रोफेशनल इश्यूज़।